हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एएलपी टेक्नीशियन के लगभग 4 दिन का एग्ज़ाम हो चुका है और उसमें आपके 4 दिन में 12 शिफ्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं। तो 12 शिफ्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं तो उनके क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और बाकी सबको ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूँ कि इस बार कितने स्कोर आप करेंगे तो आपके लिए सेफ़ रहेंगे, तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी पूरे एनालिसिस के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड हर जानकारी समय से पे मिलती है और आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है और उनमें आप कितना स्कोर करेंगे तो आपके लिए सेफ रहेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं और उन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि वो लोग सारे जो हैं वो लगभग आपके 52, 50, 48 इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और देखा जाए तो एग्ज़ाम की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं और कभी कभी एक दो क्वेश्चन जो है इतिहास के दे दिए जाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो जिस कारण से कट ऑफ जो है लो ही जाएगी, क्योंकि हर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उतने हाई लेवल के क्वेश्चन जो है नहीं आ पाते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि जनरल साइंस के भी जो क्वेश्चन हैं वो आपके बहुत ही हाई लेवल के हैं, वो भी आपके टफ हैं, आसान नहीं हैं, तो वो भी पूरा का पूरा कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ नॉर्मल ही रहने की संभावना है, ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि CBT आप 1 जो दे रहे हैं, CBT 1, इसके मार्क्स जो है आपके CBT 2 में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग हैं। तो क्वालिफाइंग होने के कारण इसमें आपके 60,000 सीट हैं, तो 60,000 सीट हैं आपके, और 60,000 सीट में इनको CBT 2 के लिए 15 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो 60 को 15 से गुना किया जाए तो ये आपके आ जाएंगे 9 लाख के आस, यानी 9 लाख स्टूडेंट को CBT 2 में बैठना है जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो कट ऑफ कम ही जाएंगे, इसलिए जो स्टूडेंट्स 50, 50 से 52 इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैटेगरी वाइज कि कितने मार्क्स आप लाएंगे या फिर कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया है तो आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो जाएगा। और इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एनालिसिस के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैटेगरी वाइज कि कौन कैटेगरी में हैं आप, तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ कैटेगरी में माने जाएंगे, सेफ जोन में माने जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 52 क्वेश्चन आप करेक्ट अटेम्प्ट कर के आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। आप चिंता ना करें, रिलैक्स होके आप CBT 2 का प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। और आप एक 49, 50 इतना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट टेंशन ना लें, क्योंकि इतना भी आपके हैं तो आप सेफ जोन में ही हैं। और अगर हम बात करें OBC की, तो OBC कैंडिडेट के लिए थोड़ा कम भी क्वेश्चन किए होंगे तो उनके वो सेफ जोन में हैं। जैसे मैं बता दूं एक एनालिसिस बेसिस पे तो आप
46 टू 48 क्वेश्चन करके आए होंगे ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैटेगरी वाले, तो उनका जो है एक सेफ स्कोर माना जाएगा और वो सेफ जोन में है, तो वो भी आप रिलैक्स होके आप CBT 2 का प्रिपरेशन करें, आप टाइम इधर उधर में ना बर्बाद करें कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये सब का आपको टेंशन नहीं लेना है, आप CBT 2 के लिए सेलेक्ट हैं, क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि लगभग 9 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, तो 9 लाख बहुत होते हैं, आप कम नहीं हैं, और 46 टू 48 मार्क्स जो है बहुत मायने रखता, क्योंकि जो मैथ का क्वेश्चन आ रहे हैं उनका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छी है, तो आप 15 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं तो वो भी अच्छे आ रहे हैं, और जनरल साइंस का क्वेश्चन है तो वो तो आपको हर शिफ्ट में देख ही रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाना आसान नहीं है, तो आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप एकदम बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, वेल डन। और यदि आप देख लें कि जनरल जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं उसका भी लेवल आसान नहीं है, वो भी उनका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत हाई है, तो उसमें अगर आप 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं तो वेल्डन, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, तो इसी कारण से मैं इतना कम कट ऑफ बता रहा हूँ, और इतना से ज़्यादा नहीं जाएगा आप मान लो। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं AC कैटेगरी के बारे में, तो AC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो भी आपके 38 टू 42 या 43 के आसपास, अगर आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप वेल्डन, आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन CB2 में होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इसलिए आप CB2 का प्रिपरेशन अच्छे से करें, मन से करें, ताकि इस बार आपके जॉब कंफर्म हो जाए, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको ज़्यादा, अब ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम इतना इस सब के चक्कर में मत पड़िए, अगर आपके CB2 इतने करेक्ट कर रहे हैं तो CB2 में आपका सिलेक्शन होगा, और अच्छे से आप मेहनत करें, आप इस बार जॉब लेके जाएं यार, बहुत हुआ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब लास्ट कैटेगरी जो बचा हुआ है ST के बारे में, तो ST का जो कट ऑफ है वो आपका 36 टू 38 अगर उन्होंने क्वेश्चन सही करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं तो वो भी सेफ जोन में है, वो भी CBT 2 का प्रिपरेशन करें एकदम मन से, मन लगा के। तो ये मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पे कुछ सब्सक्राइबर उनके द्वारा बताए गए कि इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, इतने करेक्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स के माध्यम से मैं ये एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अगर आपको एनालिसिस मेरा अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इस चैनल पे आपको कोई भी फॉल्स जानकारी नहीं दी जाती है, ये ALP टेक्नीशियन से रिलेटेड हर जानकारी आपके लिए एकदम ट्रूली सच्चे दिल से बनाता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।